आपने शिक्षक बनना क्यों तय किया? मेरे शिक्षक बनना तय करने के लिए अतीत जिम्मेदार है इसके लिए। कक्षा 6-5 के अंदर में था तब मुझे पुस्तक पढ़ना नहीं आता। अच्छा, ये गुरु जी थे जिन्होंने मेरे पर बिल्कुल ध्यान दिया और मुझे पुस्तक पढ़ना सिखाया। उस साल मैंने टॉप भी किया। धीरे धीरे जब ये पैसे के चयन की बात आई, उस समय मेरी 2 और परीक्षाओं में चयन हो गया था। मेरे मन में था कि मैं कुछ करूँगा, क्योंकि मुझे सीखना था, क्योंकि मैं सीखे बिना कुछ नहीं कर सकता और लोगों को सिखाऊँ, क्योंकि सीखने और सिखाने में मेरी हमेशा रुचि है। सर्वप्रथम कक्षा शिक्षण में एक समस्या होती है कि अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, अलग अलग स्तरों पर उनका सीखना होता है। हम जो पाठ्य वस्तु उनको सिखाना चाह रहे हैं, बच्चे उसके लिए तैयार नहीं होते, अलग अलग स्तरों पर होते हैं। उन सबको साथ में लेकर चलना एक बड़ी चुनौती है, तो इसलिए इस तरह से पढ़ाना पड़ता है कि अधिकतर बच्चे उसको सीख जाएं और अच्छा रिस्पॉन्स दें। दूसरी समस्या ये होती है कि हमको प्राइमरी सेक्शन में उस विषय को पढ़ाना पड़ता है कई बार, जिसमें हमारी रुचि भी नहीं, ना हमारी रुचि होती है, ना वह परिवेश से ऐसा TLM भी उपलब्ध नहीं होता। ये 2 समस्या। इसके अलावा 3 समस्या रहती है, गैर शैक्षिक कार्यों में लगाया दिया जाता है, उससे व्यवधान उत्पन्न होता है। एक नियमित पढ़ाई का जो क्रम होता है वो टूट जाता है और बच्चों को जो सिखा रहे होते हैं वो अनावश्यक रूप से उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होता है। बच्चे स्कूल नियमित आवे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दिया जाए। जी, इसके लिए उनका नियमित कक्षा कार्य देना है, उनका नियमित गृह कार्य की जाँच होनी है। इसके अलावा बच्चा घर पे जाता है तो घर पे जाकर क्या करता है, उस पर घर की स्वास्थ्य परिस्थितियाँ क्या है, किन परिस्थितियों के कारण वो नहीं आ रहा है, तो उसके संपर्क में भी रहना है। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, बच्चे की दिक्कतें होती है व्यक्तिगत सीखने की, उन दिक्कतों को वो अपने मित्रों के साथ साझा नहीं कर पाता, शिक्षक के साथ भी साझा नहीं कर पाता, उन दिक्कतों को हल करना होता है। यदि वो दिक्कतें उसकी वो समस्याएँ हल हो जाती है तो बालक नियमित दिखता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी होती है, परिवेश आधारित होती है, कुछ कृषि आधारित काम करने वाले लोग हैं तो उनमें ये दीपावली के आसपास का खूब काम रहता, तो उस समय बच्चे नहीं आते, तो उस समय उनको थोड़ा लेट आते हैं या थोड़ा कुछ परिस्थितियाँ उनके अनुसार रिलेक्सेशन देना नहीं है, या शाम के समय नहीं आ पा रहे तो उसमें शाम के समय या जब उनको समय मिले बच्चों के लिए तो शिक्षक को भी समय निकाल कर उनके लिए अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की। कक्षा के अलावा, कक्षा में पढ़ाने के अलावा कंप्यूटर का इस्तेमाल स्कूल की और किन गतिविधियों में आप कर सकते हैं या होता है या हो सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। वास्तव में ये एक मल्टीमीडिया मशीन बहुत ही उपयोगी है स्कूल के लिए। ये उस समय बड़ी काम देती है जिस समय शिक्षकों की कमी होती है। जैसे हमारे विद्यालय के अंदर हमने किया है, हमने रिकॉर्ड कर रखी अच्छी अच्छी चीज़ें, प्रार्थना सभा, गिनती के लिए पहाड़े, अल्फाबेट्स और बहुत सारी जनरल नॉलेज, उनको हमने रिकॉर्डेड किया हुआ, उनको हम जब तुम्हारा समय होता है तो समय उसमें आज जिस शिक्षकों की कमी है, वैसे साप्ताहिक रूप से तो कर रही है, बाकी जिस समय कमी होती है हम देख रहे हैं कि 2 क्लासें इकट्ठी है, 3 क्लासें इकट्ठी है, तो उनको इकट्ठा बिठा के उस पर स्टैंडर्ड, जैसे ध्वनि है, जो शब्द है अंग्रेजी के जो शब्द है उनका मानक उच्चारण क्या है, तो वो उच्चारण उस पर है, बच्चे उस कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो ध्वनि होती है उसका अनुसरण करते हैं, इस तरह से सीखते हैं। हम विक्रम वेताल जैसी कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, उनको एक कंप्यूटर रूम में बिठा कर ये करते हैं। इसके अलावा भी बहुत ही बड़ा फायदा हमारे लिए है कि हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे, तो राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद ने कुछ सीरीज उपलब्ध कराई है, कुछ इग्नू की भी है जो हमने ज्ञान दर्शन चैनल, और कुछ आप लोगों के सेव से भी हमें कुछ मेटेरियल मिला, तो आज जो हम बच्चे कहते हैं बच्चों को हम नहीं समझा पाए, बच्चे समझ नहीं पा रहे कई बार ऐसा होता, तो उनको वो कहते हैं कि आप इस पर खोलो, आप बैठो और देखो, देखिए आपको समझ में आता है, तो उनसे उनकी जो कमियां है वो दूर हो जाती है। टीचर पोर्टल ऐसा पोर्टल है जहाँ हम अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं, हम दूसरे तक आसानी से पहुँच सकते हैं। मुझे लगता है यदि हमारी जो समस्या है, जो या हमने जो नवाचार किए हैं वो हम एक दूसरे से के साथ में बांटें, तो उससे हमारा तो फायदा होना ही है, आगे वाला जो सेम परिस्थितियों में व्यक्ति काम कर रहा है उसको भी कुछ प्रेरणा मिली।